दोस्तों चीन इन दोनों कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य और आर्थिक स्तर पर भारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। वहीं पाकिस्तान सियासी उथल पुथल और अस्थिरता के बीच भारी आर्थिक संकट झेल रहा है। इस वजह से दोनों देशों के बीच रिश्तों में झुलझुलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। चीन ने पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कहे जाने वाले अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपैक प्रोजेक्ट के भविष्य को लेकर अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और इस प्रोजेक्ट की गति से चीन खुश नहीं है। दोस्तों इस्लामाबाद में बीजिंग के राजदूत ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के एक शीर्ष सहयोगी के साथ बैठक में स्वीकार किया कि पाकिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट में लगी चीनी कंपनियां धीमी गति से काम कर रही हैं। दोस्तों बता दें कि कराची स्थित बिजनेस रिकॉर्ड की रिपोर्ट के अनुसार चीन के राजदूत ने चीनी कंपनियों के प्रति देश की कंपनियों के गलत और असहयोगी व्यवहार का हवाला दिया और कहा कि ये कंपनियां स्वतंत्र बिजली को भुगतान करने में देरी और बढ़ती दरों को कम कर रही हैं। इसी वजह से सारे प्रोजेक्ट धीमे हो गए हैं। दोस्तों पीएम के शीर्ष सहयोगी के साथ बैठक में चीनी राजदूत नोंगरोंग की चीन विभिन्न पहलुओं पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया से नाखुशी दिखाई। उन्होंने याद दिलाया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने SEZ स्थापित करने में मदद के लिए पाकिस्तान में चीनी विशेषज्ञों को तैनात की पेशकश की थी। उन्होंने पाकिस्तानी शीर्ष अधिकारी के सामने यह बात रखी कि यह सही समय है जब पाकिस्तान उस निर्णय को लागू करे। चीनी राजदूत ने उचित कानूनों नीतियों को तैयार करने और समयबद्ध तरीके से निवेशकों को लाइसेंस जारी करने के लिए एक समर्पित SEZ प्राधिकरण की स्थापना का भी सुझाव दिया। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें और जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।